जय हिंद जय भारत। मैं इस समय गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में और मेरे साथ हैं ये बीबी जी और ये वीर जी और ये पर्यावरण के लिए एनवायरमेंट आप कौन से आप एनवायरमेंट सोच अच्छा ये इस संस्था से हैं और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए भूमि संरक्षण के लिए और जैविक खाद बनाने के लिए। मैं यहाँ से बिल्कुल अभी जा रही थी तभी मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने कहा ये वीर जी शायद शहीदी दिवस के अवसर पर कुछ बांट रहे हैं लेकिन मैंने ये यहाँ पर नारियल का बुरादा देखा और यहाँ पर थोड़े से ये गाजर मूली के छिलके देखे जो हमारी किचन में बची जाता है। तो बीबी जी आप बताएंगे आप ये क्या कर रहे हैं और ये मटका किसने रखा है यहाँ पर ये कोटपेट किसने रखा है और ये कचरा किसने रखा है। कचरा वैसे तो आमतौर पे हर बंदा अपने घर में एक डस्टबिन में फेंक देता है बट यहाँ हम यही सबको बता रहे हैं कि कैसे इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। एक तो वेस्ट का हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है और हम एनवायरनमेंट को भी। तो आपका कहने का मतलब है इस घड़े में आप खाद बना देंगे। इस घड़े में खाद बनेगी। अच्छा ये वेस्ट जो है किचन का लेडीज रोज करके रखती है इसमें डाला उसको ये वेट रहता है इसलिए इसमें कोको पीट डालते हैं। अच्छा कोको का नारियल का ये बुरादा है ये डाला जाता है इसमें थोड़े दिन बाद रेगुलर इसको डालते जाओ साथ में कोको पीट डालते जाओ थोड़े दिन बाद इसमें जो इसका पानी वाटर जो ये रिटेन करता है वो नीचे इसके खड़े के नीचे आप एक बार इसको देख सकते हैं वो नीचे से निकलता है इसमें एक होल है जो नीचे से निकलता है और 1/4 ग्लास इतना वेस्ट पानी इसमें आता है वो आप हाफ बकेट पानी में डालें वो अपने ग्लास में डालें वो ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करें और बस ये भी जो है इसमें छह जो दिए हुए हैं वो इसकी जो स्मेल है जो इसके अंदर जो मिथेन आती है गैस बनती है वो इससे बाहर निकलेगी। आप रेगुलर इसको ध्यान रखिए 15 दिन में ये खाद तैयार होगा अपने प्लांट्स में डालिए घर में वेजिटेबल्स को कीजिए उसमें कीजिए वो बहुत ही ऑर्गेनिक आपको ऑर्गेनिक खाद बनाने के बहुत से तरीके मैंने देखे हैं बहुत सी मशीनें देखी हैं छोटे छोटे प्लांट भी आए हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं जिसके अंदर एक महीने के अंदर इसी तरह खाद बनाई जाती है लेकिन सबसे बड़ी बात उसके लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है उस बिन को बनाने के लिए लेकिन इन देवी जी ने इसके लिए भी ऑर्गेनिक भारत की मिट्टी को यूज़ करा है भारत के बने हुए घड़े को यूज़ करा है। इस घड़े को बनाने के लिए लोगों को रोज़गार भी मिलेगा ये भी इस दिशा में बहुत अच्छी बात है। हमारे कुम्हार जो कि इतना रोज़गार खोते जा रहे हैं ये बिन बनाने के लिए उन्हें रोज़गार का भी देने का काम कर रही है। इसमें छोटे छोटे छेद किए गए हैं जिससे कि इसमें बनी हुई मिथेन गैस बाहर निकलेगी और ये कोको पीट भी बेचेगा बिकेगा ये भी इसका भी व्यापार होगा। कोको पीट जो भी वेस्ट जाता है लेकिन अगर हम उसको खाद बनाने में यूज़ करेंगे तो हमारे नारियल का एक भी कचरा थोड़ा सा भी बेकार नहीं जाएगा ये भी सोना बनाएगा और ये हर नर्सरी से मिल जाता है बहुत ही सस्ते दाम पर। सिर्फ ये कोको पीट और हमारी रसोई का कचरा मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद बनाई जा सकती है। इसमें ना तो सिर्फ हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं कुम्हारों को अपने जड़ों से जोड़े रख रहे हैं अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं कोको पीट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नारियल के कचरे को भी सोना बना रहे हैं और अपनी रसोई के कचरे को भी हम लोग यूज कर रहे हैं और उससे खाद बना रहे हैं जो कि हमारे लिए ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं इन लोगों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरे को इतनी जानकारी दी और ये जानकारी जन जन तक पहुँचे भारतवर्ष के हर घर में पहुँचे इस तरह पहुँचे कि हमारी बीबी जी का ये प्रयास हमारे वीर जी का ये प्रयास बेकार ना जाए। ये संस्था जो भी काम कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये संस्था का बैनर है आप दिखाइए हमारे भाई बहन बैनर नहीं है बैनर है हमारे भाई बन गई शाम को यहाँ पर पूरा बैनर लगेगा और प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर पूरी ये जानकारी दी जाएगी तो आप गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में आ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमें बता भी सकते हैं बुला भी सकते हैं हम आके भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा अगर आप कोई ग्रुप है या कोई लेडीज का पूरा सर्कल है जैसे किडनी पार्टी है या महिला मंडल है जो मंदिर में कीर्तन करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप आप बनाकर इन लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं जहाँ पर ये इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जा सकते हैं जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं तो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज के टाइम में धरती माँ को बचाना एनवायरमेंट को बचाना अपने जीवन को बचाने के बराबर क्योंकि यही हमारा जीवन है जो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। इसके अलावा इन बीबी जी ने मुझे एक और बात बताई जो इलेक्ट्रॉनिक का कचरा हमारे घरों में निकलता है हम उसे जाकर क्रोमा सेंटर में दे सकते हैं।
लेते हैं और वो उसे रीयूज करेंगे। वो किस तरह करेंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जरूर इस तरह रिसाइकल करेंगे कि ये जो वेस्ट हमारी धरती को पोल्यूट कर रहा है, हमारी धरती के ग्रोथ में जाकर उसे बर्बाद कर रहा है, वो हमारी धरती उससे बच जाए। फेसबुक के द्वारा बताएंगे कि आप वेस्टेज कौन कौन सी जगह पर किस किस शॉप पर दे सकते हैं। नंबर है, नंबर है, नंबर मुझे नंबर बताएंगे, मैं तेरा नंबर कलेक्ट करते हैं जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि इन बीवी जी ने मुझे क्या बताया, हम किस किस सेंटर पे कहाँ कहाँ जाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दे सकते हैं जहाँ पर ये रिसाइकल हो जाएगा और हमारी धरती पर बची रहेगी। बहुत ही अच्छा प्रयास, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत की बेटी वर्षा जी।